लेकिन यहाँ पर जो सैलरी का मतलब है वो सैलरी कौन सी वाली देंगे और क्या क्या जोड़ेंगे, तो उसमें केवल दो ही चीजें जोड़ेंगे, एक उसका बेसिक पे और एक उसका महंगाई भत्ता यानी कि डीएमएस अलग से, यानी बेसिक पे को जोड़ा गया और डीए को जोड़ा गया, दोनों को मिलाकर के जो सैलरी होगी उस सैलरी को हमने पिछले 10 महीने की सैलरी का एवरेज लिया और फिर उसको हमने आधा किया। इसकी एक लाइन हमने आई कि हाफ ऑफ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो देखिए अब एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 20 साल 10 महीने तो कंप्लीट ईयर कितने हैं, केवल 20 साल में हम 10 महीनों को छोड़ देंगे। कब, जब 1973 एक्ट लागू नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ अमाउंट यहाँ पर निकल के आया। और एक चीज और हम देखेंगे कि एक इनकम टैक्स में लॉ में ये व्यवस्था की गई है कि मैक्सिमम अमाउंट कितना एग्जेम्प्ट कर सकते हो आप इसमें, उसकी एक लिमिट है और वो लिमिट जो है लागू हुई है 2018 में, इसको लागू किया गया है, पहले 10 लाख की अब इसको कर दिया गया है 20 लाख रुपये, यानी कि जिसको भी कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उसको 20 लाख रुपये मैक्सिमम अमाउंट है। अगर मान लो उसको 25 लाख रुपये मिले तो 20 लाख रुपये की वो छूट कर यानी कर से ले सकता है। तो ये एक बात हुई और एक एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ उसे। तो सपोज करते हैं इसको एक एग्जाम्पल में मैं दिखाता हूँ, मान लो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ 18 लाख रुपये और मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट है 20 लाख रुपये, तो इन दोनों में से तो मुझे पता चलता है कि उसको 18 लाख रुपये की पूरी छूट मिल जाएगी। लेकिन ये जो एक पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट का ये मतलब है कि इसमें हाफ ऑफ सैलरी ऑफ द एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें पता चलेगा कि मान लो कि ये अमाउंट निकल के आता है 10 लाख रुपये। तो ये बात हमारे लिए क्लियर होगी कि इन तीनों में से जो राशि सबसे कम होगी वही एग्जेम्प्ट होगी। तो देखते हैं कि 10 लाख 20 लाख 18 लाख को हमें पता चला कि 10 लाख रुपये सबसे कम है तो ये इसको छूट मिल जाएगी। तो कर मुक्त कितनी हो गए उसके लिए 10 लाख और टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी कितना होगा, तो देखिए आप टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव 18 लाख रुपए, जिसमें से उसके लिए फ्री टैक्स भी कितना हो गया अमाउंट 10 लाख रुपए, यानी कि 8 लाख रुपए पर उसके टैक्स लगेगा, 8 लाख रुपए पर उसके टैक्स लगेगा। तो हमें ये देखना है, अगर ये मान लें कि ये अमाउंट इस 18 लाख से ज्यादा आ जाए, मान लो कि 19 लाख या 19 लाख रुपए निकल जाए, तो हमें पता चलेगा कि जो उसे पूरा अमाउंट मिला है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि 18 = 0। तो आपको यहाँ पर मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि हाफ अमाउंट ऑफ सैलरी लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है कंप्लीटेड सर्विस ईयर से, और कंप्लीट किसको मानेंगे जब लागू नहीं होता है 1973, चाहे उसमें 20 साल 11 महीने 29 दिन ही नौकरी करी हो तब भी हम केवल 20 साल ही लेंगे, कंप्लीट ईयर ही लेंगे, बाकी के दिन को हम काउंट नहीं करेंगे जब तक कि वो पूरा साल कंप्लीट नहीं हो जाता, कैलेंडर वर्ष पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। ये नियम कब लागू होगा, ये जब ग्रेजुएटी एक्ट 1972 लागू नहीं होता। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको समझ में आ गया, एवरेज सैलरी में हम लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकालेंगे और उसमें अमाउंट कौन सा लेंगे जो लास्ट ड्राइंग सैलरी है, यानी कि जब वो रिटायर हुआ वर्तमान में उस टाइम उस महीने उसको क्या सैलरी मिली है, या उससे पिछले के जो 10 महीने हों उसको क्या क्या सैलरी पे हुई है, हम उन सबका टोटल करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे 10 का भाग देकर। तो इस तरह से बात कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएटी एक्ट 1972 लागू होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है हमारा, दो पॉइंट तो यहाँ पर भी सेम है कि एक तो मैक्सिमम लिमिट और एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, यानी कि मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपये तक टैक्स फ्री होगा और जो एक्चुअल अमाउंट मिलेगा वो। लेकिन अब जो पहला पॉइंट है उसे हमें यहाँ पर समझना है, इसमें वजह से थोड़ा अंतर आ जाता है। देखिए अगर ये लागू होता है तो 15 डेज सैलरी 15 दिन की सैलरी फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, सर्विस जो कंप्लीट हुई है उसमें हम आपको देखना। तो
15 दिन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 डेज को एवरेज सैलरी। लेकिन अब ये जो 15 दिन ये जो कंप्लीटेड ईयर है ये कौन से होंगे? तो देखिए अगर मान लो किसी व्यक्ति ने 20 साल 10 महीने काम किया है, 6 महीने से जैसे ही वो ऊपर हो जाएगा तब ये नियम होगा कि हम उसको पूरा साल मान लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 21 साल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए दोनों में जो मेन अंतर है वो यही है कि यहाँ जब तक कैलेंडर वर्ष पूरा नहीं हो जाता तब तक हम उसे कंप्लीट साल नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 6 महीने से ज्यादा यानी 20 साल 6 महीने या 7 महीने काम किया तो हम उसको 21 साल मान लेंगे। लेकिन अगर मान लो उसे 20 साल 5 महीने काम किया तब हम उसको काउंट नहीं करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 6 महीने से ज्यादा यदि उस साल के हो जाते हैं तो हम उसको पूरा 1 साल मान लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए जो कंप्लीट सर्विस ईयर होंगे इसी तरह से काउंट होंगे, हम उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 15 से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन उससे पहले हम पर डे की सैलरी हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ये जो सैलरी है यहाँ पर ये जो सैलरी है इसका मतलब है पर डे की सैलरी। और पर डे की सैलरी का मतलब है कि जिस साल जिस महीने को रिटायर हुआ उस महीने में मिलने वाले उसको बेसिक पे और डीए से हम यदि डिवाइड करेंगे कितने से 26 से डिवाइड करेंगे यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 1/26 पर डे की सैलरी निकालेंगे। तो पर डे की सैलरी के लिए हम इसको 30 से डिवाइड ना करते हुए 26 से डिवाइड करेंगे। अब एक बात और इसको समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से कि यहाँ पर ये जो 1/2 लिखा है इसको मैं 15/30 भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर जो 15 डेज लिखे हैं तो इसको भी मैं हाफ मंथ ऑफ सैलरी ही लिख सकता था। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब 15/26 होगा यानी 15 से मल्टीप्लाई और 26 से डिवाइड करेंगे। अगर उसकी पर डे की सैलरी को और कंप्लीटेड सर्विस से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बात निकल के आएगी कितना अमाउंट आ रहा है। यानी कि कंप्लीटेड ईयर को मल्टीप्लाई करना है पर डे की सैलरी से और उसको मल्टीप्लाई करना है 15/26 से यानी कि 1 दिन की सैलरी से यानी हाफ सॉरी हाफ मंथ ऑफ सैलरी से। और हाफ मंथ का मतलब 15/30 ना होकर के यहाँ पर 15/26 होगा। 26 कब होगा? जब ग्रेजुएटी 1972 लागू होता है। और 15/30 यानी कि 1/2 कब होगा? जब ग्रेजुएटी 1972 लागू नहीं होगा। यहाँ पर हमें 10 महीने की सैलरी लेनी है, यहाँ पर हमें पर डे की सैलरी को लेना है यानी 1 महीने की सैलरी को लेना है। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों इसलिए एक साथ रहे कि हम इन दोनों पॉइंट को भाई इसका पहला पॉइंट और इसके पहले पॉइंट को एक साथ समझ लें कि अंतर को समझ लें तो हम इसको कर पाएंगे। अब बात यह आती है कि जो 15 डेज है ये सभी में होगा लेकिन यदि कोई मौसम संबंधी कोई कार्य करता है जैसे उनका बिजनेस है कि उनका बिजनेस जैसे सपोज करें कि ये मंथली मतलब एक साल का एक फिक्स पीरियड होता है उसी टाइम चलेगा तो तब यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 डेज की जगह 7 दिन लेंगे यानी कि 7 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे 7/26 करेंगे यहाँ पर तब हमें पता चलेगा। तो मौसम कारण को ये 7 दिन और बाकी सबके लिए 15 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी एवरेज सैलरी को और उससे मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीटेड सर्विस के। तो ये बात आपको समझ में आएगी 20 लाख मैक्सिमम लिमिट है और एक्चुअल अमाउंट जो भी रिसीव होता है उन तीनों से जो राशि कम होगी वो उसकी कर्मुक्त राशि होगी और यदि उसको रिसीव अमाउंट से घटा देंगे तो हमें पता लगेगा कि टैक्सेबल अमाउंट कितना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वेतन के स्थान पर आपने एक ग्रेजुएटी है और ग्रेजुएटी आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है जो नियुक्त द्वारा अपने कर्मचारी को दिया जाता है और एक पारितोषिक के रूप में होता है और ये 1972 एक्ट लागू होता है और नहीं होता है इस प्रोसेस को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कंपनसेशन की। धन्यवाद।